रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर जो रोजाना 50 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, कयामत के दिन मैं उसे मुसाफहा करूंगा। तो जुमा तो मुबारक के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने के बकायदा फजाइल हुजूर रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। उनका खुलासा और मफहूम यह है कि जुमा तो मुबारक के दिन अल्लाह ताला ने खास फरिश्तों की एक ऐसी जमात को पैदा किया है जिनके हाथ में सोने चांदी के कागज और कलम होते हैं। तो जुमा को मुबारक के दिन खास दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के दुरूद शरीफ को लिखते हैं और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचाते हैं। और कई हदीस के अंदर हुजूर अहमद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि जो जुमा को मुबारक के दिन दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनका दुरूद शरीफ सुनता हूँ। और एक रवायत की तरह की दुरूद शरीफ पढ़े तो यहाँ पर फरिश्ते मुझ तक वो दुरूद शरीफ पहुंचा देते हैं। तो जुमातुल मुबारक के दिन असर की नमाज के बाद जो दुरूद शरीफ पढ़े, वैसे तो खास दुरूद शरीफ है, लेकिन असर की नमाज के बाद जो 80 मर्तबा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के दुरूद शरीफ पढ़े, हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ फरमा देता है। और अल्लाह तबारक व ताला 80 साल की इबादत का सवाब जो है वो उसके नामा अमाल के अंदर लिख देता है।